दोस्तों आज हम स्वच्छ भारत अभियान से यहाँ पे कुछ लोगों से हम मुलाकात की और ये बहुत अच्छा एक गाइडलाइन कर रही थी घरों से, मतलब कूड़ा को जो है कूड़ादान में ही डालें, मतलब आपका ये कहना है कि कूड़ा को जो कूड़ादान में डालें और अलग अलग रखें, अलग 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 कूड़े की खाद बनती है ना, सूखा यहाँ से ना ली जाता है उसको, उससे जो है बिजली पैदा किया जा रहा है ये मनाली में। ये बहुत बढ़िया है जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर चल रहे हैं और बहुत अच्छा ये एक मैसेज है। और सबसे एक और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ को? हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि घर की साफ सफाई, मोहल्ला की साफ सफाई, गीला और सूखा कूड़ा को अलग रखें। कोई भी कूड़ा के लिए आ रहा है, हमारे कर्मचारी आ रहे हैं, उसको गीला अलग दें, सूखे अलग दें। गाड़ी में कर्मचारी जो है गीला के लिए ड्रम रखे हुए, उस ड्रम में ले जा रहा है जिससे कि वो पीट में डाल करके हम उसे खाद बना रहे हैं। सूखे कूड़े को जो है सो इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए हम मनाली भेज रहे हैं, बरमाना भी भेज रहे हैं जी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाके में या आप बैकवर्ड एरिया में भी जाते हैं? जी ना, अभी तो हम शहरी क्षेत्र में ही हैं। अच्छा, हाँ जी मैम, आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कूड़े के बारे में आया ना, कोई मिक्स डालते है कूड़ा ना, कूड़ा अलग अलग डाला है, सूखा अलग से डाला है और गीला अलग से डाला है, मिक्स नहीं डाला है। अच्छा, ये कूड़े को जैसे कि सूखा है कोई गाय के लिए ले जाते हैं या कोई सब्जियों का होता है, तो इसको आप क्या करेंगे? इसको जो है सो खाद बनाते हैं, गीला कूड़ा को खाद बना रहे हैं। और गीला कूड़ा जो है गीला कूड़ा को खाद बना रहे हैं, सूखा कूड़ा यहाँ से मनाली भेज रहे हैं जी। अच्छा, डिपो वाले ले रहे हैं जी। ये कब से चालू है या कब से कर रहे हैं आप? ये जी एक साल से चालू है। अच्छा, कंटिन्यू कर रहे हैं? चला है 27 जनवरी से 15 अप्रैल तक ना। मतलब आप लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, यानी कि जनता को एक अच्छे जनन गाइड कर रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा जी, बहुत। आपका नाम जी? नाम ओके, आपका नाम जी? सतेंद्र कुमार शर्मा। वाह, आपका नाम? मेरा नाम शालिनी है। अच्छा, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, सोशल वर्क के काम कर रहे हैं आप लोग, जन सेवा कर रहे हैं, मतलब कि मतलब लोगों को जागरूक। इसी तरह